नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के कार्यक्रम में। मैं हूं अनु शर्मा। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। हमीरपुर में विकास के मुद्दे को लेकर बयानबाजी का दौर हुआ शुरू। विकास को लेकर जहां कांग्रेस के सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने तंज कसे, वहीं हमीरपुर सदस्य विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कांग्रेसियों को अपनी हद में रहकर बयानबाजी करने की दी नसीहत। फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से लॉटरी और इनाम के रूप में लाखों की ठगी करने वाले दो आरोपियों को हमीरपुर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता की हासिल। दोनों आरोपियों को 24 जनवरी तक रिमांड पर रखा जाएगा। एमएसएमई मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोलन के द्वारा हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल में जिला स्तरीय पर निबंध लेखन चित्रकला एमएसएमई विषय पर प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों ने लिया हिस्सा। जिला प्रशासन के सौजन्य से जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह प्रतिवर्ष की भांति यहां राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र हमीरपुर के खेल मैदान में किया जाएगा आयोजित। सभी टुकड़ियां पेड़ को शानदार और आकर्षक बनाने के लिए अभ्यास में जुटी।